sure do like to show your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. YouTube क्रिएटर कैंप 2022 ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? YouTube ने इसका जवाब दे दिया है, क्योंकि पिछले दो साल से यानी 2020 और 2021 में कोरोना के कारण ये ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं, इसलिए बहुत से यूट्यूबर्स को कन्फ्यूजन है कि इस बार क्रिएटर कैंप ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो चलो इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखो भाई, कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स को 2022 के यूट्यूब क्रिएटर कैंप में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया था। किसी को मेल के थ्रू इनवाइट किया गया तो किसी को नोटिफिकेशन भेजकर, और कहा गया यदि आप इस कैंप में शामिल होना चाहते हो तो फॉर्म रजिस्टर करो, उसके बाद यूट्यूब की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि आपको इसमें शामिल किया जाना है या नहीं। तो कितने सारे यूट्यूबर्स ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से मैं भी था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूट्यूब की तरफ से यह मेल आया, हाय एमडी मुनाजिर, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर इंडिया क्रिएटर कैंप, एज देर आर लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल, आवर टीम विल गेट बैक टू यू ऑन योर रजिस्ट्रेशन वाया ईमेल नो लेटर देन June 16, 2022। इसका मोटा मोटी मतलब यह हुआ कि इसमें लिमिटेड सीट है और आपको 16 जून से पहले पहले बता दिया जाएगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं। उसके बाद 25 मई को फिर एक मेल आता है, जिसे देखकर मेरा भी मन खुश हो गया। उसमें लिखा था यू आर कन्फर्म्ड फॉर इंडिया क्रिएटर कैंप, मतलब कि आपके भाई का सिलेक्शन हो गया। फिर हमने आगे पढ़ा, ये कैंप 21 जून को होगा और टाइम 11 AM से लेकर दोपहर 2:20 PM तक। लेकिन मेरा पूरा ध्यान इस पर था कि आखिर ये वाला कैंप किस शहर में होगा, दिल्ली में, मुंबई में या फिर बेंगलोर में। आगे लिखा था द इवेंट विल बी हेल्ड इन हॉपिन, मतलब हॉपिन में ये वाला कैंप होगा। फिर मैंने सोचा लगता है हॉपिन विदेश में कोई बड़ा शहर होगा। तो फिर क्या, मैंने गूगल खोला और हॉपिन लिखकर सर्च किया तो मूड ऑफ हो गया। हॉपिन किसी शहर का नाम नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन था जिस पर ऑनलाइन मीटिंग होता है। तो भाई आप लोगों को निराश नहीं होना है। हाँ, यह बस सही है कि अगर कैंप ऑफलाइन होता तो ज्यादा मजा आता, पर ये ऑनलाइन होने जा रहा है। अब ऑनलाइन कैंप किस तरह का होगा और YouTube की तरफ से क्या क्या दिया जाएगा ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ भाई, 21 जून को जब मैं इसे अटेंड करूँगा तो आप लोगों को जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इसके लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।